सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले चैप्टर नंबर 6 के बारे में। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ये हमें बताएगा बेसिकली कि जो हमारे वीवर्स थे यानी जो कपड़ा बनाते थे उनकी क्या हालत थी, और आयरन स्मेल्टर मतलब कि उस समय आयरन इंडस्ट्री मतलब कि उस समय जो लोहा था और जो लोहा से बनने वाली वस्तु थी उसकी इंडिया में कंडीशन क्या थी और कैसे बेचा जाता था और उसकी क्वालिटी कैसी थी। ठीक है, तो कुल मिला जुलाकर और ये भी बताया जाएगा कि जो फैक्ट्री नहीं है मान ली, फैक्ट्री कैसे शुरुआत हुई और ब्रिटिशर लोग फैक्ट्री को क्या करते थे, अच्छा मानते थे कि खराब मानते हैं। तो कुल मिला जुलाकर हम दो कंडीशन देखेंगे। पहला देखेंगे कि हमारे समय उस समय कपड़ा कैसे बनता था और उसकी कंडीशन क्या थी और उसकी क्वालिटी कैसी थी, मतलब बढ़िया था कि बहुत बढ़िया था कि खराब था। तो हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे हैं, तो इसमें बेसिकली दिखाया जा रहा है कि देखिए एक जगह से दूसरे जगह कपड़ा जाता था। क्यों? इंडिया कपड़ा जो होता था बहुत फाइन क्वालिटी का होता था। मलमल जानते हैं आप लोग, जैसे इस समय जो हम कपड़ा पहनते बहुत मुलायम होता है। ठीक है, तो उस समय भी जो इंडिया के जितने भी कपड़ा थे बहुत मुलायम थे और क्या थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, सालों साल पहना जाता था। तो कुल मिला जुलाकर चाहे वार में भी पहन सकते थे, चाहे कहीं पर भी पहन सकते थे। और जो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी बहुत ज़्यादा हाई डेवलप थी, इसकी मांग यूरोप में भी थी, इंग्लैंड में थी, और ब्रिटिशर क्या करते थे, ब्रिटिशर को बहुत हाईली डिमांड था तो यहाँ पर भी बेच सकते थे, दूसरे जगह भी बेच सकते थे। तो कुल मिला जुलाकर जो ये लोग अपनी फैक्ट्री बनाए थे इंडियन में, जैसे हम जाने रहे इंडिया में कैसे कपड़ा बनाते थे, सूत का, जैसे गांधी जी का हम फोटो देखते हैं कि वो क्या अपने पास रखे रहते थे, सूत काटने वाली मशीन रखे रहते थे, तो उसी प्रकार वो लोग किससे अपना कपड़ा बनाते थे बताइए आप लोग। हाँ, सूत काटने वाली मशीन बनाते थे, बहुत फाइन क्वालिटी का होता था। और वैसे अगर उस समय के अगर कपड़े को तुलना करनी हो तो आप लोग याद करिए, खादी का कपड़ा आप लोग कभी पहने हैं तो देखिए वो कितना मुलायम होता, कितना सॉफ्ट होता है, होता है कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? बस कुल मिला जो कि हमें कपड़े की बात करनी है भैया, तो जो इंडियन कपड़ा था बहुत ज़्यादा अच्छा था और इसका हर वर्ल्ड में डिमांड थी, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड से लेकर पूरे यूरोप तक इसकी डिमांड थी। और सब लोग चाहते थे, जितने भी ट्रेवलर्स थे या जितने भी बिजनेस मैन सोचते थे, भैया जितना ज़्यादा हम ला के अपने पास इकट्ठा करके और मार्केट में मान ली 10 रुपया में लाएँ और कितना बेचे, 100 रुपये में, मतलब मनमानी बेचते थे। और वैसे भी इंडियन लोग तो हम जान ही रहे भैया, कम विदेश जाते भी थे। क्यों? क्योंकि देखिए विदेश में जाना मानते थे भैया, हम जाएंगे वहाँ पे तो हमारा कल्चर भी नष्ट हो जाएगा। तो इंडियन सोचते थे भैया हम लोग अपने घर पर रह के बेचेंगे, थोड़ा सा पैसा कमाएंगे, बस हमारे लिए उतना ही बहुत है। ठीक है, समझ आ रहा? तो भैया हम बात कर लेते हैं इंडिया टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट। तो वर्ल्ड मार्केट में तो डिमांड तो भाई पहले से थी। तो देखिए जो कपड़ा बनता था उस समय इतनी जो अच्छी डिजाइन थी इंडिया में बिल्कुल बनता था, कोई और कंट्री बना ही नहीं पाती थी। हम लोग जानते थे कि इंडिया में जो है बहुत फाइन क्वालिटी, मतलब जो हाथी बन रही है तो मान लीजिए अचानक में हाथी वाला कपड़ा आता था तो बहुत पॉपुलर हो जाता था, हमेशा डिमांड रहती थी। तो अंग्रेज सोचते थे बहुत ये क्या है, ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्या करते हैं हम लोग इंडिया से कपड़ा खरीदेंगे, जल्दी जल्दी ले जाके बेचेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड क्या बताता है, हमारा वर्ल्ड बताता भैया हिस्ट्री का, कि ये जितने भी कपड़े थे बहुत मुलायम थे, बहुत सॉफ्ट थे, और आज तक के जितने भी कपड़े मतलब अब इस समय जितने कपड़े बनते हैं उस समय तक ही कंपेरिजन था, बहुत ज़्यादा बिकता था कपड़ा। और वे लोग कैसे करते थे देखिए, कुछ यहाँ अपने सिंबल भी बनाए थे, जैसे नहीं कि जैसे मान लीजिए आपके स्कूल है, स्कूल में लिस्ट होती है ना कि मतलब क्लास 8 में इतना बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 7th में इतना बच्चे पढ़ते हैं और क्लास 11th में इतना बच्चे, तो उसी प्रकार जो इंडियन थे वो लोग भी अपने कपड़ों को डिजाइन करके और उसको कैटेगराइज करते थे, मतलब 2 साल के लिए इतना, 12 साल के बच्चे के लिए इतना। तो कुल मिला जुला के यही सब था। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कई तरीके के डिजाइन भी बनाते थे, कई डिजाइन इस तरह की डिजाइन भी बनती थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि डिजाइन कितनी बेकार है, लेकिन उस समय ये डिजाइन थी ना, जैसे उस समय हमेशा व्हाइट कपड़ा चलता था, लेकिन इंडियन जो थे कलर करके बहुत अच्छा बनाते थे। ठीक है, समझ में आ रहा? उसी प्रकार यहाँ पर भी ये वाला फिगर भी देख लीजिए, ये वाला फिगर बहुत अच्छा है, देखिए कितना बढ़िया ये सब कपड़ा यूज़ करते थे। इसी प्रकार हमें कुछ डिजाइन दिया गया, उसका नाम भी दिया, लेकिन कुल मिला जुला हमें नामों में याद करना नहीं है, हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी हाईली डेवलप थी उस समय, कोई भी टक्कर में नहीं था। देखिए अब हम बात करें तो भैया आखिर में नष्ट कैसे हुई, तो इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट में तो भैया बहुत बड़ी डिमांड थी, सब सोचते थे भैया इंडियन कपड़ा पहने, यहाँ तक कि रानी
से रहते राजा तक सब लोग कौन किसका इंडियन कपड़ा ही पहनते थे। इससे ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा जलसस थे। क्यों? क्योंकि जितने हमारे ब्रिटिशर अपने कंपनी लगे इनका कपड़ा बिकता ही नहीं था, बिकता ही नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भैया देखिए क्या करते हैं हम लोग, इंडिया से जितने भी कपड़ा यूरोप आता सबको क्या कि बंद कर दिया, मतलब इंडिया मतलब इंग्लैंड तक कोई कपड़ा पहुँच ही नहीं पाता था, और जितने भी वहाँ तक के जो कपड़ा बनाते थे सबकी इंडस्ट्री को तबाह कर देते थे। तो उसी बीच में एक चीज़ की शुरुआत है जिसका नाम कहते हैं स्पिनिंग जेनी। तो स्पिनिंग जेनी एक बेसिकली मशीन थी, जिस समय आज के समय जैसे नहीं देखते कई सारी मशीन आ गई, मशीनों से कपड़ा बनता है, बुनाई होती है, कटाई होती है, तो उसी प्रकार वहाँ पहली बार एक मशीन आई जिसका नाम स्पिनिंग जेनी था। ये जो मशीन थी भैया जहाँ पर कारीगर लोग एक दिन में 10 कपड़ा या 5 कपड़ा बनाते थे, ये जो स्पिनिंग जेनी थी एक दिन में कम से कम 100, 200, 400, 500 कपड़ा बना देती थी। और ये जो इसका जो ये कपड़ा था अब ये और मुलायम भी होने लगा और बहुत सॉफ्ट होने लगा। तो कुल मिला जुलाकर यह जो पूरे तरीके से अब धीरे धीरे इंडियन मार्केट को भी कैप्चर करने लगा। और ये लोग अब क्या करते थे, अब इंग्लैंड से कपड़ा खरीदते थे और इंडिया में ला के बेच देते थे। तो इंडिया को भी कैप्चर कर लिया और यूरोप कंट्री तो उनको भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बोलिए? हाँ ना बोलिए, बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम बात करते भैया हु वर द वीवर्स, मतलब जो कपड़ा बनाते थे आखिर में वे कौन थे। तो सबसे पहला कपड़ा बनाने वाले गरीब लोग थे या मिडिल क्लास के, तो और जिनका जो पुश्तैनी थी, मतलब कि जिसके पापा माने कपड़ा बनाते थे तो उसका बेटा भी कपड़ा बना रहा है और उसके आने वाले पुश्त भी बेसिकली कपड़ा बनाते। तो वीवर्स मतलब क्या था, वीवर्स आपका फैमिली बिजनेस की तरह था। ठीक है, समझ में आया? और कैसे करते थे, चरखा और तकली से। तो वैसे भी जो गांधी जी का हम देखते थे हमेशा चरखे के साथ रहते थे, तो कुल मिला जो चखरा और तकली का यूज़ करते थे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बस एक बार कुल आप लोग सुन लीजिए। और हम बात करते भैया क्या रीज़न था डिक्लाइन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो भैया पहली यही था कि जो इंडियन तो उतना टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं किया, तो और लोग क्या करते तो उसी से बनाते थे, किससे, चरखा से। तो भैया एक दिन में 5 से 10 कपड़ा बनता था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं बहुत चालाक थे, ये लोग एक दिन में 500-600 बनाते थे। और दूसरी बात कि इंग्लैंड वाले तो क्या किए कि जो इंडियन कपड़ा था जहाँ उस पर 50% या 20% लगभग टैक्स लगा देते थे। तो इससे होता था क्या, जहाँ भैया कपड़ा 50 रुपये बिकता था, टैक्स लगाने को जैसे मान लीजिए 75 रुपये बिकता था। तो अच्छा बताइए, आप लोग कभी महंगा चीज़ खरीदते हैं? कभी नहीं खरीदेंगे। तो इसके कारण इस तरीके से इन्होंने पूरा इंडस्ट्री को डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आता? बोलिए हाँ ना बोलिए।